हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन लवर यार। और आप सबको अब फिर से एक सेटअप का वीडियो दिखा रहा हूँ, यानी मेरा ही सेटअप है खुद का, और आपको वीडियो दिखाता हूँ। लास्ट तक एंजॉय करना, ठीक है, और वीडियो पूरा देखना। तो इंटरेस्टिंग बात हम लोग बीच में बताते हैं वीडियो में, तो क्या आप वीडियो स्किप करोगे तो वीडियो में मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि इस वीडियो में क्या टॉपिक है मेन, ठीक है। और अभी गर्मी की सीज़न चल रही है पूर, और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है, यानी कि हमारे वहाँ पे तो कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है दिन में, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अपने कबूतर की सेहत का भी ध्यान रखिए, और जितना हो सके उनको फ्रेश फूड और फ्रेश पानी दीजिए, ठीक है। दिन में दो दफ़ा चेंज कर दीजिए दाना और पानी, तो क्या उनके सेहत पे भी अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा। और इसका आगे वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आगे हमने यूरोपियन, ओनली फॉर यूरोपियन सिराजी का वीडियो डाला था, वो कैसा लगा, और उसमें से पट्टे भी एक आध पट्टा भी बुक हो गया है, और वो भी भिजवाना है हमको बॉम्बे, ठीक है। वो यूरोपियन सिराजी थे सर भाई, वो नॉर्मल सिराजी नहीं थे, ठीक है। और बाकी आपको ये वीडियो में ये बता रहा था कि इनको जितना हो सके उतना ठंडा रखिए आप कबूतर को, अपने कबूतर को, यानी दाने में भी बाजरा कम दीजिए, गेहूँ ज़्यादा दीजिए, फिर वो जार आती है ना जवारी, वो दीजिए, ठीक है। और अभी वो राई डालते वो कम कर देने का, सरसों है, राई है, जो बोलते हैं आपकी भाषा में, वो कम कर देने का, ठीक है। और इनको एक दफ़ा नहाने दीजिए, तो अभी मैंने नहाने का वीडियो तो अगले टाइम बनाऊंगा मैं। और आप नहाने से उनका क्या, बॉडी टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा तो कबूतर भी एकदम स्वस्थ रहेगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो नए व्यूवर्स आए उनके लिए तो एक ही गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाए हमारे यूट्यूब चैनल को, ओके दोस्तों, बाय बाय।